Hello guys, thank you for being here on my channel. My name is Satyendra and you are watching the English Spoken Hub. And I brought a very interesting and very useful structure which you can use in your daily English conversation. Okay, so let's get started without wasting our time. Okay, so guys, जिस structure की मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से है. There would hardly be plus other word. There would hardly be plus other word. इसकी जो हिंदी पहचान होगी वो मुश्किल से, ठीक है. तो गाइस अगर मैं बात करूँ कि उसकी गाड़ी में मुश्किल से एक लीटर पेट्रोल होगा, उसकी गाड़ी में मुश्किल से एक लीटर पेट्रोल होगा, तो इसको आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से वुड हार्डली बी के माध्यम से आराम से फ्रेम कर पाएंगे. ओके, तो उसको फ्रेम करने का तरीका हम सीखेंगे और एक एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है. जो कि पहला एग्जांपल है कि उसकी गाड़ी में मुश्किल से एक लीटर पेट्रोल होगा. देयर वुड हार्डली बी वन लीटर पेट्रोल इन हिज बाइक. ओके, सो जैसा कि आपने पहले वाले एग्जांपल्स को देखा और दूसरे एग्जांपल्स को भी उसी प्रकार से फ्रेम करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए. सेंटेंसेस आपके अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, ये किसी के भी अकॉर्डिंग हो सकते हैं, ठीक है. अगर बात आ जाएगी मुश्किल से तो आपको इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से ही आपको सेंटेंस को फ्रेम करना पड़ेगा. ओके गाइस, उसके अकाउंट में मुश्किल से 1,000 रुपये होंगे. देर वुड हार्डली बी 1,000 रुपीज इन हिज अकाउंट. ओके गाइस, देर वुड हार्डली बी 1,000 रुपीज इन हिज अकाउंट. थर्ड देखेंगे हम, ठीक है. राम की क्लास में मुश्किल से 10 छात्र होंगे. देर वुड हार्डली बी 10 स्टूडेंट्स. हमारे पास 10 हैं तो इसलिए हमने प्लूरल कंडीशन को रखा. 10 स्टूडेंट्स इन राम्स क्लास, एपोस्ट्रोफी एस लगाया राम्स की के लिए, राम की क्लास में. सो एपोस्ट्रोफी इज कंपलसरी टू सो द सिचुएशन ऑफ का की के. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.